और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब जल्दी ही मोस्ट ऑफ मोस्ट हम फर्स्ट जून को बिजनेस स्टडी प्लस टू का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर आपको उसके भी लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे हेलो दोस्तों वेलकम एक्ट्रेटिव मैं हूँ आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे नंबर ट्वेंटी फिफ्थ जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं साथ में साथ एक इलस्ट्रेशन भी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ अब आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि यूनीमैक्स पब्लिकेशन की बुक का भी सोल्यूशन डालो अब इतना पॉसिबल नहीं है हमसे कि यूट्यूब पर हम दोनों ही टास्क कर सकें तो यूनीमैक्स की ट्यूशन जो है मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं अपने ऐप में उसमें आप मिनिमम अफोर्डेबल फीस पे करके अपना ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो उसमें हम यूनीमैक्स के साथ ही पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि जो उषा पब्लिकेशन है वो हम कवर कर रहे हैं अपने यहाँ पर यूट्यूब पर तो यूनिमैक्स हम कवर कर लेंगे अपने ऐप पर जो भी हमारा ट्यूटर टिप्स ऐप है ना अवेलेबल प्ले स्टोर में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका और मैं कमेंट भी पिन कर उसमें दूंगा। मैं लाइव पढ़ाने वाला हूँ इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा तो फिर लाइव के चार्जेस भी देने ही पड़ेंगे थोड़े से एक्स्ट्रा तो वो बहुत ही मिनिमम है उसमें आपको बहुत कुछ फ्री में मिलने वाला है ट्यूशन के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे आपके चैप्टर की रिविजन करने के लिए और बुक सोल्यूशन की पीडीएफ्स भी मिलेगी वो भी दोनों तीनों किताबों की अब ट्रीटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या है अब आपके माइंड में क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि एनपीओ का चैप्टर आप करा रहे हो उसमें तो आपने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने देखना ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम ट्रीटमेंट क्यों करेंगे चलिए वो भी समझा देता हूं आपको अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एन है वो कभी कभी ट्रेडिंग एक्टिविटी करने लग पड़ती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल एक स्पोर्ट्स क्लब है उसमें वो उस उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी चला रखा है मीन्स वो क्या कर रहे हैं मेंबर्स तो आ रहे हैं स्पोर्ट्स खेलने लेकिन जो रेस्टोरेंट है उसमें वो उनको हेल्दी स्नैक्स वगैरह दे रहे हैं ठीक है ताकि वो फिट रहे जूसेस वगैरह दे रहे हैं तो वो चीजें चला रहे हैं तो जो रेस्टोरेंट की इनकम होगी या जो भी सेलिंग होगी वो सारी क्या हो जाएगी ट्रेडिंग हो जाएगी सेम वे चैरिटेबल हॉस्पिटल की भी एग्जांपल है चैरिटेबल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल तो चैरिटेबल है लेकिन जो हमारी फार्मास्यूटिकल की शॉप है उसके बाद ही जिसको हम कैमिस्ट शॉप बोलते हैं वो ट्रेडिंग है उसमें वो चैरिटेबल नहीं कर रहे वो जितने का आ रहा है वो एम पे बेच रहे हैं वो ट्रेडिंग उसमें चल रही है तो वो है तो हॉस्पिटल हौ का हिस्सा ही लेकिन शॉप पे ट्रेडिंग हो रही है हॉस्पिटल चैरिटेबल है तो शॉप का बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस तो हॉस्पिटल का बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सबसे पहले आपने क्या करना है अगर हॉस्पिटल है उसकी जो शॉप है फार्मास्यूटिकल की उसका आपने ट्रेडिंग पीरियडल बना लेना है जो भी उसमें से प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है वो आपने ले जाना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ठीक है इनकम एक्सपेंडिचर आपका अकाउंट बनेगा किसका हॉस्पिटल का उसमें सारे हॉस्पिटल के खर्चे आ जाएंगे इनकम्स आ जाएंगी ठीक है और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए बहुत शॉप का बनाए तो शॉप से रिलेटेड खर्चे या फिर इनकम उसमें आएंगी ओके तो चलिए टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए इसकी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जो हमें गिवन है उषा पब्लिकेशन की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी फोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को शताब्दी चैरिटेबल हॉस्पिटल बेंगलोर प्रोवाइड जो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर अंडर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन फोर द हॉस्पिटल एंड कैमिस्ट शॉप यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बैलेंसेज वगैरह दिए हुए हैं ठीक है, है? इसमें से आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है साथ में साथ अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना क्यों है उसका कारण है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है लेकिन उसमें हमने खोली हुई है केमिस्ट की शॉप केमिस्ट की शॉप है वो चैरिटेबल नहीं है वो प्रॉफिटेबल है तो इसलिए वो उसका हम बनाएंगे ट्रेडिंग पी एंड एल और जो हमारा हॉस्पिटल है उसका हम बनाएंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो जो भी आइटम हमारी कैमिस्ट शॉप से रिलेटेड होगी वो जाएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और जो भी आइटम हमारी हॉस्पिटल से रिलेटेड होगी वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी ठीक है तो जितना भी ट्रेडिंग का प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आएगा वो भी हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तो चलिए प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट्स और, और लॉस अकाउंट ऑफ शॉप फॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए पहला कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर का दूसरा अमाउंट का फिर पर्टिकुलर का फिर अमाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड बन गई ठीक है अब उठाते हैं हम फर्स्ट बैलेंस हैं हमारे पास क्या है जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड होता जाएगा वो डालते जाएंगे बाकी अभी छोड़ देंगे वो बाद में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे सबसे पहली आइटम है हमारे पास कैश इन हैंड ओपनिंग टेन थाउजेंड अब कैश इन हैंड चाहे हॉस्पिटल के पास हो चाहे शॉप के पास हो लेकिन जाएगा तो जी बैलेंस शीट में ही क्योंकि ये हमारा है एसेट्स ओके नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग सिक्स थाउजेंड अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है ओपनिंग तो ये तो शॉप से रिलेटेड है ना तो ये हमारी है ट्रेडिंग आइटम तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे तो लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक सिक्स थाउजेंड टू ओपनिंग स्टॉक सिक्स थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ मेडिसिन एटीन थाउजेंड यह भी हमारी ट्रेडिंग आइटम है क्योंकि मेडिसिन तो केमिस्ट वाला ही खरीद देगा तो इसको भी लिख देंगे डेबिट साइड टू परचेज ऑफ मेडिसिन एटीन थाउजेंड नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सेल ऑफ मेडिसिन 32,000 अब मेडिसिन की सेल भी दी हुई है तो ये तो हमारी इनकम है क्रेडिट साइड जाएगी ठीक है तो लिखिए क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स 32,000 नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कर्टेज वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है शॉप मीन्स शॉप से रिलेटेड खर्चा है कितना है 500 तो ये भी हम डेबिट uh, साइड डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट की तो लिखिए टू कर्टेज फाइव हंड्रेड नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग फोर थाउजेंड तो क्लोजिंग आ गया स्टॉक तो इसको भी हम डाल देंगे क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक फोर थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल सब्जेक्ट टू टेन परसेंट डेप्रिसिएशन अब हॉस्पिटल की इक्विपमेंट है उस पर डेप्रेशन भी टेन परसेंट लगनी है लेकिन यह आइटम कौन सी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जहां पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल सकते हैं अगर आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ में साथ प्रिपेयर करना है तो इसको अभी डाल लेते हैं नहीं तो बाद में भी डाल लेंगे नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ऑपरेशन फी ये भी इनकम एक्सपेंडिचर की आइटम है फिर है रूम चार्जेस फॉर पेशेंट्स, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम है फिर है डॉक्टर फीस ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा नेक्स्ट है नर्सेज फीस कलेक्टेड ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम है ठीक है नेक्स्ट है सैलरी टू स्टाफ इन हॉस्पिटल जी भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है ना तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी नेक्स्ट आइटम है हमारे पास सैलरी टू स्टाफ इन शॉप अब शॉप में सैलरी दी हुई है तो ये शॉप का खर्चा ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड है तो इसको भी हम डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो लिखिए टू सैलरीज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फ्रॉम एन आर आई फोर बिल्डिंग अब बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई ट्वेंटी थाउजेंड ये हमारी सीधी बैलेंस शीट में जाएगी ठीक है उसके बाद है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप सिक्स थाउजेंड का ये भी हमारा खर्चा है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा मेडिकल चेकअप कैंप है ना फ्री मेडिसिन तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट की तो चलिए अब हम इसका प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल लेते हैं इसमें भी सरप्लस या आप डेफिशिएंसी निकाल सकते हो सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया तो हमारे पास आया थर्टी सिक्स थाउजेंड और हमारा डेबिट साइड का टोटल आया है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड तो बैलेंस निकला हमारा टेन थाउजेंड ये है हमारा टू सरप्लस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलिए अब फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो सबसे पहले यही आइटम हम डाल देंगे क्रेडिट साइड मींस इनकम साइड इनकम साइड लिखिए बाय सरप्लस फ्रॉम कैम शॉप टेन थाउजेंड अब उसके बाद जो जो आइटम हमने देखी थी कि वो जानी है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो डाल देंगे सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन फी फोर ये हमारे इनकम है तो इसको इनकम साइड डाल दीजिए बाय ऑपरेशन फीस फोर थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास रूम चार्जेस फ्रॉम पेशेंट्स ये भी हमने कलेक्ट किए हैं ना पेशेंट हॉस्पिटल का काम क्या है रूम रेंट पर देके और पेशेंट से पैसे लेते हैं ऑपरेशन के चार्जेस लेते हैं नर्सिंग फीस वगैरह लेते हैं ठीक है यही सारा कुछ लेते हैं ये इनकम है उनकी ओके थर्टीन थाउजेंड की इसको भी इनकम में डाल दीजिए बाय रूम चार्जेस थर्टीन थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर फीस कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट फाइव थाउजेंड ये भी हमारी इनकम है तो लिखिए बाय डॉक्टर फीस फाइव थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास नर्स फीस कलेक्टेड फोर थाउजेंड तो ये भी हमारी इनकम ही है इसको भी इनकम साइड डाल दीजिए बाय नर्स फीस फोर थाउजेंड नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी टू स्टाफ इन हॉस्पिटल ये हमारा एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो लिख दीजिए टू सैलरी टू स्टाफ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डोनेशन फ्रॉम एन ये तो हमारे एसर्स हमने देख ही लिया था ना इसको छोड़ दो नेक्स्ट है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप सिक्स ये भी हमारा खर्चा है तो लिखिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप सिक्स थाउजेंड और ये सारा कुछ ट्रीटमेंट हो चुका है अब एक चीज जो इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल है उसके ब्रैकेट में लिखा था सब्जेक्ट टू टेन परसेंट डेप्रिशिएशन तो इस पे डेपरेशियन चार्ज होगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड डालनी है हमने तो चलिए ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन परसेंट ये है हमारा एट ओके तो ये इजीली सारा हो चुका है कंप्लीट अब हम इसका टोटल लगा लेंगे डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास इनकम का थर्टी सिक्स थाउजेंड तो थर्टी सिक्स थाउजेंड बड़ा है तो दोनों साइड लिख दीजिए थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो नेट हमारा सरप्लस निकल के आया एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसको लिख देंगे टू सरप्लस और लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस ओके ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं प्लीज जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सारे के सारे बच्चे जितने भी बच्चे आ, फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन जिसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इसमें बैलेंस शीट भी है और जो अलस्ट्रेशन करके आए हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही था ओनली चलो आ, साथ में साथ आपकी बैलेंस शीट भी इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगी रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को द बैलेंस शीट ऑफ रॉयल वेस्टर्न गोल्फ क्लब ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन क्लोज द फॉलोविंग पोजिशन अब बैलेंस शीट दी हुई है ऑलरेडी थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन की और उसके आगे दिया हुआ है द समरी ऑफ द क्लब्स कैश बुक फॉर द ईयर एंडर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन शोज एज कैश बुक दी हुई है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स दी हुई हैं क्या क्या की हुई है ठीक है उसके बाद लिखा है इट इज असर्टन दैट आपके पास टोटल थ्री पॉइंट्स है उसके आगे सब पॉइंट्स हैं और लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रपेयर अ बार ट्रेडिंग अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट ऑन द बार ऑफ ईयर ऑन द बार फॉर द ईयर सेकंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर अंडर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट तो, तो चलिए फटाफट से पहले हम इसका बनाएंगे बार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके अब ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा बार का ये लिखा है बार स्टॉक 3920, ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहले हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक 3920 अब इसके बाद हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में मिल जाएगी बार की रिसिप्ट जितना हमने सेल किया हुआ है और जितनी परचेज की हुई है कैश वो वाले ओके क्रेडिट सेल या फिर क्रेडिट परचेज अगर कोई होगी तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं तो चलिए पहले हैं हमारे पास पेमेंट साइड बार परचेज ट्वेंटी तो लिखिए टू परचेज कैश कितनी है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड और हमारे पास सेकंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके ई e पॉइंट में लिखा हुआ है क्रेडिटर फोर बार परचेज इज टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये हमारी होगी क्रेडिट परचेज तो इसको हम कर देंगे एड तो एड कीजिए क्रेडिट परचेज टू थाउजेंड वन हंड्रेड और जे हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर तो दिए हुए हैं साथ में साथ हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर भी हैं क्राइटर फोर बार परचेज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें गिवन है तो ये हम करेंगे लेस तो लेस कर दीजिए तो लेस कर दीजिए क्राइटर फोर बार परचेज आ, ओपनिंग कितना है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो नेट हमारी बार परचेज निकल गए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड अब इसके बाद हम डाल लेंगे इसके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बार एक्सपेंसेस क्योंकि जो पेमेंट साइड है रेट्स है इंश्योरेंस है वेजिस है प्रिंटिंग है स्टेशनरी है ये सारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे जो बार एक्सपेंसेस हैं वो बार एक्सपेंस में जाएंगे तो लिखिए बार एक्सपेंसिज कितने हैं सिक्स uh, हंड्रेड तो इसको डालेंगे लेंगे हम uh, अपनी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए टू बार एक्सपेंसिस सिक्स और इसके लिए भी हमारे पास क्लोजिंग क्राइटर भी दिए हुए हैं तो ओपनिंग भी दिए हुए हैं बार एक्सपेंसिस के लिए जो ओपनिंग हमारे पास आउटस्टैंडिंग है वो वन ट्वेंटी है जो क्लोजिंग है वो सिक्सटी रुपीज है तो ओपनिंग हम लेस करेंगे क्लोजिंग हम ऐड करेंगे तो कर दीजिए ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं सिक्सटी रुपीज और लेस कर दीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वन ट्वेंटी तो नेट जो निकल गया हमारे पास फिफ 590 और इसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है बेजिज इंक्लूडिंग 3200 थाउजेंड टू हंड्रेड फोर द बार अटेंडेंट जो बेजिज है उसमें से बत्तीस सौ के बेज जो है वो बार अटेंडेंट के हैं तो बार से रिलेटेड हुए तो ये भी हमारा एक खर्चा है तो डेबिट साइड डाल देंगे तो लिखिए टू बार बेजिज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड और इसके अलावा हमारे पास बार का स्टॉक भी दिया हुआ है थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में द बार स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट नंबर फिफ्टीन वॉज वैल्यूड एट वन थाउजेंड एट हंड्रेड तो इसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक वन थाउजेंड एट हंड्रेड चलिए रिसिप्ट साइड भी देख लेते हैं रिसिप्ट साइड हमारे पास एक ही इनकम है बार से रिलेटेड वो है बार टेकिंग्स 32,800 तो ये हमारी होती है सेल्स आप इसे बार टेकिंग भी लिख सकते हैं तो लिखिए है, बाय बार टेकिंग 32,800 तो चलिए टोटल लगा लेते हैं डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टेन और क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड टेन लेस कर देंगे थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से तो नेट बैलेंस बचा हमारे पास सेवन हंड्रेड नाइन्टी जे आया हमारा टू बार प्रॉफिट इसको हम करेंगे ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके तो चलिए यहाँ पर पे कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट इनकम एंड अमाउंट जे एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड पर पे कर ली है तो चलिए जो जो आइटम का ट्रीटमेंट हमने ट्रेडिंग में नहीं किया और है हमारे एक्सपेंस या इनकम उनको हम डालेंगे इस अकाउंट में और उसके बाद जो बच गया वो जाएगा बैलेंस शीट में अब फॉर्मेट ड्रा हो चुका है उसके बाद सिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उठाने से पहले सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसफर हमारा बार प्रॉफिट जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से निकाला था ये जाएगा हमारा इनकम साइड तो लिखिए बाय बार प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 790 ओके तो रिसिप्ट साइड उठा लेते हैं पहले सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वो तो हमारा कैश बैलेंस है बैलेंस शीट में जाएगा उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें ऐड कर लीजिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन फॉर टू थाउजेंड फिफ्टीन अनपेड दिया हुआ है थ्री हंड्रेड और सब्सक्रिप्शन फॉर टू थाउजेंड फिफ्टीन पेड इन एडवांस भी दिया हुआ है वन फिफ्टी और ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस थ्री टू थर्टी एंड सब्सक्रिप्शन इनिया दिया हुआ है फोर हंड्रेड मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है ओपनिंग एडवांस भी है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है क्लोजिंग एडवांस भी है चारों के चारों आइटम का ट्रीटमेंट कर देते हैं फटाफट से तो चलिए हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं फोर आइटम्स का पहले करेंगे ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस और लेस करेंगे ओपनिंग uh, आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस ओके okay? तो क्लोजिंग आउटशाइनिंग हमारे पास 300 और ओपनिंग एडवांस है हमारे पास 230 और ओपनिंग आउटैंडिंग हमारे पास 400 और क्लोजिंग एडवांस है हमारे पास 150 तो दो आइटम ऐड करने के बाद दो लेस किया तो हमारे पास नेट निकल के आया थर्टीन ओके चलिए आगे देखते हैं बार टेकिंग हमने ट्रीट कर लिया है उसके बाद है हमारे पास लॉकर रेंट्स 460 हंड्रेड सिक्सटी तो ये भी हमारी इनकम है तो डाल लीजिए बाय लोकल रेंट फोर हंड्रेड सिक्सटी चलिए अब पेमेंट साइड देखते हैं बार परचेज का ट्रेटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं आगे हमारे पास रेट्स वन थाउजेंड के इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिखिए टू रेट्स वन थाउजेंड तो चलिए नेक्स्ट आइटम हमारे पास इंश्योरेंस 600 की इंश्योरेंस की हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है उसका लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 180 और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एडवांस में लिखा हुआ है इंश्योरेंस इन एडवांस 140 ओपनिंग एडवांस ऐड होती है क्लोजिंग एडवांस सब्ट्रैक्ट ओके तो चलिए कर देते हैं दबा दब से लिखिए टू इंश्योरेंस सिक्स हंड्रेड एड कीजिए ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 140 और लेस कर दीजिए क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस 180 तो ये हमारा नेट निकल के आया 560 नेक्स्ट है हमारे पास बेजिज 14,200 लेकिन बेजिस में से हमने ऑलरेडी जो 3,200 के डाले थे बार स्टॉक में सॉरी बार ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो तो निकालना ही पड़ेगा ना इसमें से वो इससे रिलेटेड नहीं है तो चलिए करते हैं तो लिखिए टू बेजिज फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड लेस बार बेजिज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो नेट हमारा निकल गया एलेवन थाउजेंड ओके नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थ्री हंड्रेड इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो सिंपली लिख देते हैं टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थ्री हंड्रेड नेक्स्ट बार एक्सपेंसिव का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं और बाकी सारी एडजस्टमेंट भी हमारी हो ही चुकी हैं बेजिस का भी हो गया इंश्योरेंस भी हो गया बार एक्सपेंस भी हो गए सब्सक्रिप्शन भी हो गए दोनों कराइटर फॉर बार परचेज भी हो गए अब क्लोजिंग में बैलेंस शीट में भी करेंगे और बार स्टॉक का भी ट्रीटमेंट कर लिया है एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिर जाएगी और लास्ट में हमारे पास बचा है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आर टू बी डेप्रिशिएट बाय टेन लास्ट एडजस्टमेंट है तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखेंगे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का हमारे पास बैलेंस है कितना वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस पर हमने करनी है चार्ज डेप्रिसिएशन तो लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितना है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन परसेंट ये निकला हमारा सेवन फिफ्टी ओके तो अब जिस सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है तो टोटल लगा लेते हैं फटाफट से तो हमारा एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन और इनकम साइड का टोटल आया फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी 14,830 हमारा बड़ी रकम है दोनों साइड लिख लेते हैं उसमें से माइनस करेंगे 13,610, तो नेट बैलेंस निकल के हमारे पास 1,220 ये है हमारा सरप्लस जिसे हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस ओके तो चलिए अब फटाफट से इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन लाइबिलिटी साइट बना लीजिए और एसेट साइड बना लीजिए चार कॉलम बनेंगे लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट ओके तो चलिए पहले लाइबिलिटी साइड ही उठा लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन है अकॉमोलेटेड फंड जिसको हम ओपनिंग कैपिटल फंड कहेंगे वो है हमारा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो लिखिए इसको अकोमोलेटेड फंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस जो अभी अभी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट किया है वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी लिखिए है सरप्लस वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी तो टोटल हमारा अकॉमोलेट फंड हो गया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी तो चलिए अब लाइब्रिटी साइड कंप्लीट करते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में से हम क्लोजिंग लाइब्रिलिटीज क्या चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है? सब हैं सबसे पहले हमारे पास बार एक्सपेंसिवइंग रुपीज सिक्सटी रुपीज ये है हमारे आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस कह लो या फिर तो क्राइटर फॉर बार एक्सपेंसेस कह लो कुछ भी कह सकते हो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ था क्राइटर फॉर बार एक्सपेंसेस तो हम वो ही वर्ड यूज कर लेंगे तो लिखिए क्रेडिटर फॉर बार एक्सपेंसेस कितने हैं सिक्सटी रुपीज ठीक है सिक्सटी रुपीज ओके नेक्स्ट लाइबिलिटी है हमारे पास सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 पेड इन एडवांस फॉर 150. आपकी बुक में क्वेश्चन ईयर लिख दिया यहाँ पर 2015 लेकिन आना चाहिए 16 क्योंकि सब्सक्रिप्शन 2016 के लिए लिया है पेड इन एडवांस रुपीज़ वन फिफ्टी दो हज़ार सोलह के लिए एडवांस में लोगों ने पे कर दिया है ठीक है तभी दो हज़ार सोलह लिखेंगे चलो ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है लिखा हुआ है तो इस ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी साइड लिख मेंशन करते हैं इसको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वन फिफ्टी नेक्स्ट लाइबिलिटी है हमारे पास क्राइटर फॉर बार परचेजेज टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो लिखिए क्राइटर फॉर बार परचेजेज टू थाउजेंड वन हंड्रेड और कोई लाइबिलिटी है नहीं तो लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा लेते हैं टोटल आया है हमारे पास थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी चलो चलते हैं हम हमारे एसेट साइड एसेट साइड सबसे पहले हम डाल लेंगे क्वेश्चन में से देख के अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या आया है सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ये है हमारा कैश इन हैंड तो लिखी है एसेट साइड कैश इन हैंड सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में वो तो हमने सभी के सभी डालने ही है तो ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहला एसेट्स है हमारे पास क्लब हाउस एट कॉस्ट फोर्टीन थाउजेंड तो ऐसे ही लिख देंगे क्लब हाउस एट कॉस्ट फोर्टीन थाउजेंड उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर एंड इक्विपमेंट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस पर हमने डेपोरेशन चार्ज की है क्लब हाउस पे कोई डेपोरेशन वगैरह कोई खर्चा कोई सेल कोई परचेज कुछ नहीं था जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग बना दिया लेकिन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग हो जाएगा चेंज क्योंकि हमने उस पर डेप्रिशिएशन भी चार्ज की है तो कितना है बैलेंस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रिशिएशन सेवन फिफ्टी तो नेट हमारा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आया सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ओके नेक्स्ट है हमारे पास बार स्टॉक ओपनिंग वो ओपनिंग वाला नहीं चलेगा वो हमने नेट ऑफ कर दिया है बार स्टॉक हमें क्लोजिंग लेना पड़ेगा क्लोजिंग हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 1800 तो लिख दीजिए बार स्टॉक 1800 नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर 400 ये भी हमने क्या किया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग हमारा चेंज हो चुका है, हो चुका है. जो हमारा ओ, ओपनिंग एरियर था वो तो ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं तो क्लोजिंग एरियर है हमारे पास सी एडजस्टमेंट है सेकेंड पॉइंट की सब्सक्रिप्शन फॉर टू थाउजेंड फोर्टीन अनपेड रुपीज थ्री हंड्रेड तो ये डाल दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर थ्री हंड्रेड नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस इन एडवांस तो ये भी हमारी ओपनिंग है क्लोजिंग हमें गिवन है लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 180 तो लिख दीजिए इंश्योरेंस इन एडवांस 180 ओके तो ये हमारे सभी एसेट्स हो चुके हैं इनका टोटल लगा लीजिए टोटल है हमारे पास 39,130 लायबिलिटी लाइबिलिटी के टोटल के साथ टैली हो चुका है क्वेश्चन हो चुका है आपका कुपी? अगर कोई डाउट है ठीक है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए हमारे YouTube पर कमेंट कीजिए Instagram पर हमें डीएम कीजिए फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे ठीक है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रेलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत श्री अकाल